जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन जो है स्टार भोजपुरी का, जो है पूरे दुनिया पे भारी है, या आप यूं कह सकते हैं कि बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ पे भारी है, ऐसा कोई भोजपुरी स्टार है या नहीं है। पहले जो है इसका जवाब अभी अभी आप दे दीजिए कि आपके हिसाब से जो कौन भोजपुरी का स्टार भारी है। आप किसी भी स्टार का भैया नाम लिख सकते हैं, हम जो है इसमें कोई स्टार का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई स्टार जो है बॉलीवुड हॉलीवुड पे भारी नहीं है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अभी भोजपुरी में जो है इम्प्रूव करने का बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक हमारा जानकारी है, उसके हिसाब से जो है आज भाई बात करने वाला है कि आखिर जो है बॉलीवुड पे हॉलीवुड पे साउथ का फिल्मों पे जो है भोजपुरी का कौन सा स्टार जो है आज का डेट में आप कह सकते हैं कि भारी है, या आने वाला दिन में जो है भारी हो सकता है, समझे। तो देखिए, बहुत ज्यादा जो है बात करने का आवश्यकता है नहीं। गम के दरिया में डूब जाना है सनम, महफिल से अच्छा मैं खाना है सनम। आज जो है एक गाना का आया है टीजर खेसारी लाल यादव का, जिस गाने का नाम है महफिल, और ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन सैड सॉन्ग है, आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे चलते हुए, है ना। तो वहीं जो है कल एक और गाना आया था पावर स्टार का, जिस गाने का नाम था झगड़ा के घर, और ये दो गाने जो देखने के बाद जो है लगता है, और आजकल जितने भी भोजपुरी के तमाम गाने आ रहे हैं चाहे किसी भी स्टार का हो, तो भैया ये सब देखने के बाद लगता है कि जी नहीं, जो है लोग कहते हैं कि भोजपुरी जो है भारी नहीं पड़ सकता है, लेकिन ये सब देखने के बाद हमको लगता है कि भारी पड़ सकता है। और कलाकार के मामले में अगर हम कहें कि पवन सिंह या खेसारी लाल यादव या एक्स वाई जेड कोई भी, तो देखिए हमको लगता है कि अभी भोजपुरी में जो है बहुत सारे ऐसे स्टार हैं, कलाकार हैं, जिन्हें सीखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव की, तो देखिए इनके पास जो है सब कुछ है, डांसिंग है, एक्टिंग है, गायकी है। और बात रहा पावर स्टार का, तो भैया इनके पास हमको सिर्फ एक गायकी दिखता है, और आजकल जितना भी आता है आपका वीडियो सब, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो कंपनी का मालिक है और जो उस वीडियो का डायरेक्टर लोग होता है, उनका भैया बहुत बड़ा हाथ है। पावर स्टार का आइटम सॉन्ग में भी जो है उस टाइप का डांस दिख नहीं पाता है जैसा डांस दिखता है केएलवाई का। तो अगर आप हमसे पूछिएगा, तो हम तो कहेंगे जी हाँ, केएलवाई वो स्टार है जो अभी का डेट में जो है कहीं ना कहीं भारी बॉलीवुड पे या हॉलीवुड पे पड़ सकता है। आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहिए। और अब अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक से सब्सक्राइब जो है भैया करना मत भूलिएगा, ठीक है।